हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं भूमि एंड फूडी क्वीन भूमि। चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बना रही हूं राजमा, पंजाबी राजमा। पंजाब में राजमा बहुत ही फेमस है और राजमा को यहां पे मैं राइस के साथ और समोसा के साथ, प्याज और भुनी हुई मिर्ची के साथ मैं सर्व करती हूं। तो चलिए बनाते हैं हमारे राजमा। और बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है एंड हम बहुत ही फास्ट बनाऊंगी। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली राजमा कैसे बनाते हैं वो आपको बता रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं हमारे राजमा, पंजाबी राजमा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे राजमा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल जो है 4 टीस्पून जितना ऑयल गर्म करने रखा है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च एंड तेज पत्ता डाला है। ये खड़े मसाले सारे हैं, हम इनको भून लेंगे। हींग भी डाला है मैंने यहाँ पे। आफ्टर सारे साबुत मसाले एंड हींग के बाद हमने डाला है अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जितना अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट जो है वो डाला है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं टोमेटो। मैंने 1.5 कप जितना टोमेटो, मतलब 1.5 टोमेटो मैंने अच्छे से चॉप करके डाला है यहाँ पे। एंड टोमेटो, अदरक, मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट है हम अच्छे से भून लेंगे। और जब तक कि तेल नहीं छूट जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ऐड करेंगे मसाला। तो कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून जितना टर्मरिक पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जितना तीखा लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। एंड सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना सॉल्ट भी डाला है। ऑलमोस्ट मैंने राजमा बना बॉयल करते टाइम मैंने सॉल्ट जो है डाला था। तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट भून चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने जो मैंने 1.5 कप जितना राजमा जो है यहाँ पे बॉईल करके रखा था ऑलरेडी, तो राजमा को अब हम ऐड कर लेंगे। और बॉईल राजमा को हमने यहाँ पे मसाले में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि राजमा जो है सारे मसाले, अदरक, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी के साथ में और सारा जो भुना हुआ मसाला है उसके साथ में हमारा राजमा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो राजमा को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स इट वेल एवरीथिंग। एंड अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए प्लेट ढककर पका लेंगे। तो राजमा को हम 10 मिनट्स, अब हमारे राजमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम गैस जो है ऑफ कर लेंगे एंड इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और रेडी हमारे राजमा। ओए होए, रेडी हो चुका है हमारा राजमा राइस। एंड आपको मेरी राजमा राइस की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये है अपने राजमा राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं।